3, 2, 1। हेलो दोस्तों, आज है 1st of October और आज मैं अपनी एक लाइफ की नई शुरुआत करने वाला हूँ। तो मैं जब भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने वाला होता हूँ तो मैं हमेशा गुरुद्वारा जाता हूँ। तो आज से ठीक 1.5 साल पहले मैं कसौल गया था, तो वहाँ पे मैं 3 महीने लगातार गुरुद्वारा गया था मणिकरण साहिब, और आज भी मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना 1st of October बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो कि CP में है, दिल्ली में, यहाँ से आके स्टार्ट करूँ। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं अकेला क्यों जाऊँ, क्यों ना मैं अपने साथ अपने 10-11 सब्सक्राइबर्स को भी लेके आऊँ और उनको भी वो सब चीजें फील करवाऊँ जो मुझे फील होती हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि मैं बंगला साहिब जा रहा हूँ, तुम्हें से कोई चलेगा? लेकिन एग्जैक्ट 11 ही लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया और मैं उन सबको लेके फाइनली बंगला साहिब आ चुका हूँ। दोस्तों, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, मैं बस बंगला साहिब के मेन गेट के बाहर हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, वैसे बाहर ही हूँ और वो सब मेरी वेट कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सबसे मिलने के लिए। हेलो आदर्श भाई, कैसा? बढ़िया। हेलो सुहानी। हेलो सागर। हेलो आदर्श भाई, कैसा? बढ़िया। सबसे पहले आने वाले को मेरी तरफ से पार्टी है। तुम में से मुझे कौन बताएगा हम यहाँ क्यों आए हैं? जिसने सही गैस किया उसको मेरी तरफ से लंच या डिनर पार्टी पक्का, आज नहीं मतलब कभी। जल्दी से बताओ, एक एक सही स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर सही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट बंगला साहिब ही क्यों? ठीक है, बंगला साहिब भी लाइक मेरे को तो काफी पीस मिलता है यहाँ पे आके, शांति मिलती है, ठीक है, तो खुद से कनेक्ट कर पाता हूँ बस। ठीक है, ठीक है। कोई मन्नत होगी या फिर ऐसा होगा कि भाई कुछ पुरानी इच्छा होगी वो पूरी होने वाली होगी आसपास है। अगर इनके अलावा बाकी जितने भी लोग आएंगे 2-3, उन्होंने सही रिप्लाई नहीं दिया, मतलब सही गेस्ट नहीं कर पाए, तो इन दोनों को मेरी तरफ से डिनर या लंच कभी और कभी, ठीक है। एक एक करके एक से स्टार्ट हुआ था, अभी हम मेरे को मिला के 11 लोग हो चुके हैं, अब मैं आपको एक एक करके 10 लोगों से मिलवाता हूँ। दोस्तों, आप सबने मेरा नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम है राज। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है और मैं यहाँ पे 2 बार खो चुकी। मेरा नाम शिवानी है, गाना कोई नहीं गाएगा। राम राम भाई सारियानंद, मेरा नाम है हर्ष। हाय, मेरा नाम दीपक, उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आदर्श। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मयंक। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है याशिका। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सागर। तो दोस्तों, मैंने ना आज इन सबसे एक बहुत ही अलग चीज करवाई। मैं इन सबको गुरुद्वारे तो ले गया, इन लोगों को लगा था कि भाई बाबा का कुछ होगा, हमें गुरुद्वारा तो लेके जा रहे हैं, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम सब मेरे साथ चले। लेकिन मैंने ना इन सबसे एक बहुत स्पेशल चीज कराई, बहुत ही सेवा। अब मैं इनसे एक एक करके पूछने वाला हूँ कि इनको आज सेवा करके कैसा फील हुआ। तो ये है शिवानी, तो इसने सेवा किया, बता दो कैसा फील हुआ। बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग था, बट फिर मैं आ गया कि कैसे करना है। तूने कुछ सीखा उस चीज से? मैं सीखा, अगर आप हम्बल और ओपन रह के कुछ भी करोगे तो काफी अच्छा लगता है दिल से। और लंगर करके कैसे? दोस्तों, ये है याशिका, तुम्हें सेवा करके कैसा लगा? अच्छा लगा, और आई थिंक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ किया तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। कंफर्ट जोन से बाहर जाके, ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थैंक यू। अब हर से पूछूंगा मैं। गुड वन। हाँ, मतलब बहुत मजा आया, और जैसे वो मीम है ना कि मजा आया तो जस्टिफाई हो गया, और बहुत फन करा, कुछ बुजुर्गों से भी बात करी तो बहुत अच्छा लगा उनके एक्सपीरियंसेस जान के। बुजुर्गों से बात करी, कैसा था विशाल? विशाल तो बढ़िया था, बट हाँ, मैं विशाल की बात नहीं कर रहा था, रियल बुजुर्ग। मजा, मेरे भी सफेद थे।
अब विशाल बताएगा। चूंकि मैं पहले भी जाता था और सेवा करता था तो मेरे लिए ऐसे नया तो नहीं था, बट हाँ काफी सालों बाद करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो चीजें फिर से नॉस्टैल्जिक फील हुई और काफी अच्छा लगा, मजा आया। तुमने पहली बार सेवा करी? नहीं, मैंने पहली बार लंगर खाया। मैं पिछले सॉरी पहली बार लंगर खाया। मैं पहले एक साल लगातार मैं एक साल यहाँ पे सेवा करता था, बट मैंने कभी लंगर नहीं खाया था। तो आज कितना अलग लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना टेस्टी, मजा आ गया, मेरे से रहा ही नहीं जा। तूने देखा ही, मैं पहले ही खा रहा था, रहा ही नहीं जा रहा था मेरे से। दोस्तों ये आदर्श, ये मेरा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है और मैं इसको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं देता था, तो इसने मेरे को कल लाइव में बोला कि भैया यार रिप्लाई पे देते नहीं। मैंने कहा कल पक्का मिलूंगा। देखो कैसे लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। पहली बार तो भैया से मिल रहा हूँ, खुशी अलग होती थी, एंड दूसरा गुरुद्वारे में जाके सेवा करी। ऐसा तो गुरुद्वारा मैं घूम चुका हूँ बट सेवा नहीं करे थे कभी, बट अलग फील हुआ, कुछ अगर कुछ करा आज। थैंक्स ब्रो, आजा मैं। दोस्तों ये है मयंक जो कि राहे दिल्ली पे मेरे से पहली बार मिला है। मेरे को नई आइडिया की आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे पहले, नहीं था आपको याद ही नहीं? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मयंक राज। अच्छा भाई बहुत क्रेजी है, मुझे ये भी नहीं पता था कि राहे दिल्ली पे मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से आया। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी छोटी छोटी एफर्ट डालता हूँ ना वो मेरे पास वापस आ ही जाती है। तो थैंक यू मयंक, तुमने मेरे को इतने अच्छे से रिप्लाई दिया, लाइव पे भी आए और कल भी तुमने बोला कि मैं डेफिनेटली सुबह मिलूंगा, और इसने मेरे को सुबह कॉल किया कि भैया मैं मेट्रो में तुम कहूँ। तो तुम्हें कैसा लगा सेवा करके? बहुत अच्छा लगा और पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था ऐसे सेवा करना, और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी टाइम मिले हर किसी को आना चाहिए गुरुद्वारे में सेवा, लाइक इट हेल्प्स टू कीप यू ग्राउंडेड और हम्बल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों ये मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी सब्सक्राइबर और ये दो बार खो चुकी है। तो स्नेहा आपको कैसा लगा सेवा करके? मैं बहुत बार आई हूँ इस गुरुद्वारे पर, फर्स्ट टाइम मैंने सेवा किया है और ये काफी अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए और मैं काफी खुश हूँ। कसौल रहता था 3 महीनों के लिए और मैं 3 महीने रोज मणिकरण जाऊँ, मैंने वहाँ पे रोज लंगर हॉल में सेवा की है। मेरा मानना ये है कि जो गुरु घर है ना वो तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाता है, और अगर तुम कभी नोटिस करोगे ना तो जो लंगर हॉल होता है जहाँ पे सब खाना खाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी आए, चाहे वो अमीर है गरीब है कैसा भी है, मोटा है पतला है काला है गोरा है, जितने भी फर्क हमने बनाए हैं सब लोग इक्वल होते हैं, सब लोग ए टू जेड इक्वली बैठते हैं, एक ही प्लेट होती है, एक जैसा ही चम्मच होता है, एक जैसा ही लंगर होता है, जिसके हिस्से में जो आया उनको वही खाना पड़ता है, खुद उड़ा के अपने बर्तन उनको इनफेक्ट के धोने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने हमेशा सेवा करने से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखी हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपने साथ अपने सब्सक्राइबर्स को भी यहाँ पर लेकर आया। मेरे को बहुत बार लोग बोलते हैं कि तुम अपने मीटअप में क्या करोगे, गाने गाओगे क्या करोगे, मैंने सोचा यार वो तो सब लोग करते हैं, मैं भी ये बहुत इजीली कर सकता हूँ, लेकिन मैंने प्लान किया था कि मैं सबको ना एक बार ही बंगला साहिब लेके जाऊँगा, सबको अपने साथ सेवा करवाऊँगा और साथ बैठ के लंगर करवाऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब लोगों ने बड़े ही आराम से बिना चूचें किए मैं सेवा करी और मेरे से मिलने आए। तो अगर आप सब ने भी कभी बंगला साहिब या किसी भी और गुरुद्वारे में गए हो, सेवा की है, लंगर खाया है, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अभी तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम सब बहुत मस्त खा पी के आए हैं, मस्त गर्मी लग रही है, तो अब इन सबको मस्त ऐश करवाता हूँ चाय उसमें ले जाकर। चलो चलो और शॉट नहीं लिया क्या? अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि सीपी मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेस है। आई लव सीपी, मैं पूरे अपने डेलीगेट लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट रोज यहीं आता था, और पहले रैंडम सड़क पे गिटार बजाने आता था, फिर कुछ साल मेहनत करने के बाद कैफेज में परफॉर्म करने आता था। मुझे बहुत पसंद है सीपी, प्यार है मेरा प्यार, और अभी ब्लॉग्स बनाने आता हूँ, वो क्या कहते हैं रैंडम जैमिंग टू कैफे सिंगिंग टू ब्लॉग्स, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो मेरे साथ सब लोग जा रहे हैं, वो बड़ी खुशी सी हो रही है। स्नेहा एक वो गाना कर दे डांस, घाघरा वाला, घाघरा घाघरा मेरा। तो अभी दोस्तों हमारा टास्क है चायोज ढूंढना, मैंने वैसे सबको बोल दिया कि हम चायोज जा रहे हैं, सब लोग थोड़े एक्साइटेड हैं, क्या पता चाय पी के और एक्साइटेड हो जाए। चायोज के बाद हम दोस्तों दिन एंड कर देंगे, क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को बहुत सारा काम करना है, तो बस यही है। तो यही मेरा एक प्यारा छोटू सा मीटअप कह सकते हो, या मेरा गिव बैक टू माई सब्सक्राइबर्स कह सकते हो, तो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अगर तुम में से भी कोई मेरे साथ सेम चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता है तो कमेंट करके बताना, हो सकता है अगले 11 लोगों में से तुम में से भी कोई एक हो।
दोस्तों ये है आदर्श और ये मेरा सब्सक्राइबर है। तो इसने बोला कि इसने नहीं बोला अभी सुकून विद बाबा से चाय विद बाबा चल रहा है। इसकी चाय खत्म हो गई लेकिन तब भी हम चीयर्स करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, दिन खत्म हो चुका है, मैं एक्टिवा राइड पे हूँ और सबको बाय बोल चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी उबर मोटो एक्टिवा आई है, क्योंकि आई लव एक्टिवा।